दिल्ली के आया नगर इलाके में बीजेपी के युवा नेता जेपी लोहिया और मालती फाउंडेशन के द्वारा सवाल सेहत का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विषय था हृदय संबंधित बीमारी, जिसके लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया गया और वहां पर आया नगर इलाके की महिलाओं और लोगों को हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ ही साथ इलाके के लोगों को इस बीमारी से बचने तथा जो इस बीमारी के लक्षण हैं उन सब के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि मालती फाउंडेशन और बीजेपी के युवा नेता जेपी लोहिया के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ अपने हृदय के संबंधी बीमारियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। हमेशा आप क्लिनिक में या हॉस्पिटल में लोगों को सजेस्ट करती रहती हैं मरीजों की, आज खुले मैदान में आके लोगों को सजेस्ट कर रही हैं, कैसा लग रहा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा जी। इसमें इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती कि हम पब्लिक को बीमार होने से पहले उनको बताएं कि बीमारी से बचाव होने के लिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, और स्पेशली हार्ट की बीमारियों को लेके ये सब बहुत अच्छी एक फॉर्चुनेट बात होती है कि हमारा बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर हम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें तो हम हार्ट की बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इतना ही अनफॉर्चुनेट ये भी है कि पब्लिक को ये जानकारी नहीं है और पब्लिक शायद इस बात पर विश्वास नहीं करती है कि जो डॉक्टर कह रहे हैं जितना बता रहे हैं उतना हमें स्ट्रेस देने की आवश्यकता है। तो ये मेरा मैसेज है। अच्छा, ये देखा गया है कि आने वाले कुछ सालों में हार्ट के बीमारियों की जो संख्या है ना, ये ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रही है, क्या कारण मानते हैं? हार्ट की संख्या तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, इंडिया ऑलरेडी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक इन सब में ऑलरेडी बहुत लीड कर चुका है, हम लोग ऑलरेडी फोरफ्रंट पे हैं। अब तो टाइम ये है कि हम हमारी एटलीस्ट नेक्स्ट पॉपुलेशन को, जो हमारे घरों की यंगर जनरेशन पॉपुलेशन है, उसको हम सिखाएं कि हेल्दी लाइफस्टाइल का हमारे लिए कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अभी तो हमारा नीड टाइम की नीड वो है। क्या मैसेज देंगे किस तरीके से थोड़ा बहुत जो शुरुआत में किस तरीके से कोई बचाव कैसे कर पाए? बचाव जैसे कि मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए, आप अपना डायबिटीज़ अगर आपको पता नहीं है तो जाने, ब्लड प्रेशर अगर आपको पता नहीं है तो आप जाने, आप अपने कोलेस्ट्रॉल जाने, आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, आप अपना डाइट का ध्यान रखें, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, आप इनको कंट्रोल करें। आप किसी भी एज में हैं, एक्सरसाइज एट नो एज इज हार्मफुल, तो हेल्दी लाइफस्टाइल एट नो एज इज हार्मफुल। तो आप जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी एज में हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, और जब आप करेंगे तो आपके बच्चे, आपको उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, आपको उन्हें ज्ञान देना नहीं पड़ेगा, वो आपको देख के सीखेंगे। तो आप जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें तो आपको देख के बाकी लोग भी फॉलो करें। जो कार्यक्रम जेपी लोहिया जी के द्वारा कराया गया, किस तरीके से आप देखते हैं जो सेहत सवाल का? आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया कोरोना काल से पीड़ित है। देश के अंदर, दिल्ली राजधानी के अंदर छतरपुर विधानसभा में आया नगर सबसे बड़ा आबादी का एरिया है, और इस आबादी के एरिया के अंदर जेपी लोहिया जी लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। किसी भी संगठन से, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे वो किसी, जैसे अभी इन्होंने आज के कार्यक्रम आयोजित किया मालती फाउंडेशन के माध्यम से डॉक्टरों की टीम आई। इस कार्यक्रम का मकसद रखा कि अभी जो मैंने आपसे कहा सवाल सेहत का है कि आज ही हो, सवाल सेहत के तहत ये कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के अंदर आयनगर कॉलोनी के हर एक ब्लॉक से बहनें आई, काफ़ी लोग निकल करके आए, और सवाल सेहत का मकसद एक ही है कि जो कोरोना काल में लोग बड़े परेशान रहे हैं, बड़े डिप्रेशन में, बड़े साइकोलॉजिकल परेशान, मैंने देखा है वो 7-8 महीने में लोगों के जो फ़ोन आते थे कि जी हमारे अंदर बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं है, हमारी नौकरी छूट गई है, हमारे काम हिलने पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन पूरी तरह खुला है, लोग काम के लिए निकले हैं, तो उसी के तहत सवाल सेहत के माध्यम से एक जागरूकता अभियान आयनगर के अंदर फैले, इसी मुहिम में जेपी लोहिया जी लगे हुए हैं। और जेपी लोहिया जी का जो मकसद है, जेपी जी को भारतीय जनता पार्टी ने जिला मैरोली में नई जिम्मेदारी भी दी है ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से जेपी लोहिया जी ने ये मुहिम आयनगर के अंदर चलाई है, भारतीय जनता पार्टी जिला मैरोली अध्यक्ष जी से भी हम बात करेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम मैरोली जिले के अंदर चलाए जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। ये एक अच्छी शुरुआत है आयनगर के अंदर जेपी लोहिया जी के माध्यम से। मैं जेपी जी को
बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, इनकी टीम को बधाई देता हूँ जो डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई और इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं फिर दोबारा से जेपी जी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई जेपी भाई की। ठीक, जेपी जी आज जो ये कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया सवाल सेहत का, क्या पर्पज था जो इस तरीके का कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया? देखिए, इस तरह के जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं मालती फाउंडेशन के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का ये प्रयास हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ वो जानकारी रखें, हमें किस बीमारी में क्या करना है, किस समय हमें क्या करना है, उसके लिए हमने जो लोगों को जागरूक करने का ये हमारा छोटा सा प्रयास है। अच्छा, आगे भी क्या इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे और क्या विषय क्या है सवाल सेहत पे, कैसे सवाल सेहत का विषय ये है कि हर आदमी जागरूक हो अपनी बीमारी की, उससे जागरूक हो, उनको ये पता रहना चाहिए कि हम लोग आज घर में व्यस्त हैं, कोरोना काल है, कोरोना काल के अंदर हम लोग घर में बैठे हुए हैं, किस तरह से हमें इन सब बीमारियों से निजात पाना है, व्यायाम के माध्यम से, योगा के माध्यम से, घूमने के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। और इस मुहिम को आज हमारे छोटा सा जो प्रयास है, हम इस मुहिम को आय नगर वार्ड के हर ब्लॉक के अंदर ले जाना चाहते हैं और हर बीमारी के लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। आज जो डॉक्टर आए थे, ये कहाँ से डॉक्टर थे और किस डिपार्टमेंट के? आज की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कविता त्यागी जी, वो सर गंगाराम की डॉक्टर हैं हॉस्पिटल से और जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट की डॉक्टर हैं। उन्होंने लोगों से सवाल भी किए, लोगों के जवाब भी दिए और बहुत अच्छे से लोगों को यहाँ पर जानकारी दी कि हमें हार्ट से जब भी कोई इस तरह के हादसा हमारे साथ होता है तो हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह के उन्होंने कई जानकारी लोगों को यहाँ पर दी। लोग बड़े खुश हैं, डॉक्टर साहब आए बीच में, क्योंकि होता नहीं है कि डॉक्टर बीच में जाते हैं, लोगों को अस्पताल जाना होता है और इस तरह का ये पहला कार्यक्रम है, लोग इसके अंदर बहुत खुश हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर बीजेपी के नेता रणवीर तंवर भी पहुँचे और उन्होंने लोगों का प्रोत्साहन किया और इसके साथ ही साथ जो स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में भाग लिया उन्होंने भी बताया कि इस कार्यक्रम का उन्हें बेहद ज़्यादा फायदा मिला है। चूँकि सवाल सेहत का कार्यक्रम स्वास्थ्य पर आधारित है और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को बेहद लाभ मिला है और इस पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो ये प्रोग्राम बेसिकली जो ऑर्गेनाइज़ किया गया मालती फाउंडेशन और हमारे जो जेपी भाई जी हैं उनके द्वारा आया नगर में पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज़ हुआ है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो यहाँ की जो लेडीज़ हैं, ग्रामीण समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, जो भी यहाँ की पर्टिकुलर लेडीज़ होती हैं ना, वो घर से बाहर निकल के और डॉक्टर के पास जाने के लिए यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है वो सब ये सब करने में वो मतलब कर नहीं पाती, हिचकिचाती हैं। ठीक है, कोई भी होगा अवॉइड करता है, मैं खुद मेरे से पूछिए तो शायद मैं भी अवॉइड करती होंगी, तो लेडीज़ मोस्टली अवॉइड करती हैं। और जहाँ तक आपको पता है, मुझे पता है कि जो भी प्रोग्राम होते हैं मोस्टली वहाँ पे भी अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें आदमी पहुँच जाते हैं, लेडीज़ की संख्या हर जगह बहुत कम होती है। तो आज तो लेडीज़ की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक पहली बार एक लेडीज़ का प्रोग्राम हुआ है और जिसमें कि लेडीज़ ने यहाँ पे दिखा दिया कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और जिसका जिसके लिए मालती फाउंडेशन और का और जेपी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मधु गुप्ता है। मधु जी, आज जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया, किस सोच से रखा महिलाओं के लिए, किस सोच? एक्चुअली पिछले दिनों ना हमारे साथ एक हादसा हुआ, मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, तो सडनली हम लोगों ने सोचा जब हम मालती फाउंडेशन में हम लोग बहुत सारे काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम लोगों को और अवेयर करें, तो यही सोच थी, यही सोच करके हम लोगों ने एक मुहिम जारी की सवाल सेहत का। तो सवाल सेहत का में हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे जो अलग अलग बीमारियों के बारे में, वो लेडीज़ को और जेंट्स को सबको बताएंगे कि ये बीमारी के सिम्टम क्या होते हैं और कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि जान है तो जहान है। आने वाले दिनों में क्या अलग अलग और भी बीमारियों के बारे में अलग अलग डॉक्टर? जी हमारा यही हमारा कहना है कि हम आने वाले टाइम में अलग अलग तरीके के डॉक्टर को बुलाएं, जैसे नाक कान गले से भी संबंधित बीमारियां हो गई, आज हार्ट के थे और तो हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं बहुत होती हैं लेडीज़ को, तो हम अलग अलग जानकारियां देते रहेंगे, जनता तक पहुंचाते रहेंगे, हमारी यही सोच है। हमने मुहिम शुरू की है सवाल सेहत का और हम इसे आगे जारी रखेंगे। स्वस्थ भारत। मिली जो डॉक्टरों के द्वारा आज हम लोगों को हार्ट से संबंधित जानकारी मिली और हम लोग जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं
और बहुत सारी चीज़ों को पता भी नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया और हम उस चीज़ के लिए भी अवेयर भी रहेंगे और आगे भी इस चीज़ के लिए और ये सारे प्रोग्राम आगे भी बढ़ चढ़ के करवाते रहेंगे और डॉक्टरों को भी बुलाएंगे, जैसे और तो प्रॉब्लम है कहीं कोई और प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों के लिए भी। तो इस चीज़ से बहुत अच्छा भी लगा और जनता भी इकट्ठी हुई उसमें भी बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मालती फाउंडेशन और जेपीजी द्वारा जो ये करवाया गया कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और हम लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है।